हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं हम लोग 2019 की रिपोर्ट और सर्वेक्षण के बारे में। 1970 के बाद से पृथ्वी से 53% वन्य जीव लुप्त हो गए हैं। WWF की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा वन्य जैव विविधता के बिलो द कैनोपी फ्लोटिंग ग्लोबल ट्रेंड्स इन फॉरेस्ट ट्रेंड्स के अनुसार वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की संख्या 1970 से औसतन पर्यावास और जलवायु परिवर्तन पर निवास और नुकसान की गिरावट के कारण 53% घट गई है। रिपोर्ट का निर्माण जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विश्व संरक्षण निगरानी के केंद्र के सहयोग से किया गया है। इस रिपोर्ट के लिए विश्लेषण और मॉडलिंग का नेतृत्व किया गया है। अगला है, भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड का शीर्ष उत्सर्जक है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट है। एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत नासा राष्ट्रीय विमानन की एवं अंतरिक्ष प्रशासन के OMI ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट उपग्रह द्वारा टैग किए गए सभी SO2 हॉटस्पॉट की 15% से अधिक के साथ दुनिया में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का विश्व में शीर्ष उत्सर्जक देश है। रिपोर्ट का नाम ग्लोबल SO2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट डेटाबेस SO2 प्रदूषण के दुनिया के सबसे बुरे स्रोतों की रैंकिंग है। इसे सुनील दहिया और लोरी मायला युवर्ता ने लिखा है। भारत में SO2 की बात करें तो हॉटस्पॉट की, तो रिपोर्ट में पाया गया कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली, याद रखिए मध्य प्रदेश में सिंगरौली, तमिलनाडु में नेवली और चेन्नई, उड़ीसा में तलचर और झार सुगुड़ा और छत्तीसगढ़ में कोरबा, गुजरात में कच्छ, तेलंगाना में रामागुंडम, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और कोराडी प्रमुख है भारत में हॉटस्पॉट। SO2 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। रूस में नोरिल्स्क स्मेलेटर कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट है। इसके बाद चीन, मेक्सिको, जगरोज, ईरान और केपेल इन में पूलंगा प्राप्त प्रांत दक्षिण अफ्रीका है। SO2 के बारे में बात करें तो यह बिजली संयंत्रों और अन्य उद्योगों में कोयला को जलाने से उत्पन्न होता है और यह वायु प्रदूषण में बड़े पैमाने पर योगदान के लिए जाना जाता है। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। 820 मिलियन से अधिक लोग भूखे से पीड़ित हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल दुनिया भर में 821 मिलियन से अधिक लोग भूख से पीड़ित थे। लगातार तीसरे वर्ष संख्या बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और WHO सहित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा निर्मित द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड नाम की रिपोर्ट जारी की गई है। अगला, यह सतत रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों की ओर जीरो हंगर के लिए टैकिंग प्रगति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है और 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करना है। वर्ष 2018 में दुनिया में भूखे लोगों की संख्या 821.6 मिलियन है। एशिया में 513.9 मिलियन, अफ्रीका में 256.1 मिलियन, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन में है 42.5 मिलियन। अब बात करें भारत, अगला है, भारत निम्न मध्यम आय वाला राष्ट्र बना हुआ है जबकि श्रीलंका अमीर हो गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट है। 1 जुलाई 2019 को जारी की गई विश्व बैंक की आय स्तर आधारित देशों के वर्गीकरण के अनुसार भारत 46 अन्य देशों के साथ निम्न मध्यम आय वाला देश है।
जबकि श्रीलंका वित्तीय वर्ष 2020 के लिए उच्च मध्यम आय वर्ग में शामिल हो गया। वित्त वर्ष 2009 में भारत निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वाला देश बन गया है। वित्त वर्ष 1999 में श्रीलंका ने निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वर्ग में प्रवेश किया था और दो दशकों तक इसी वर्ग में बना रहा। इस वर्ष उच्च मध्यम आय वर्ग में प्रवेश किया है। विश्व बैंक ने सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को वर्गीकृत किया है, जिसका प्रयोग करके इसकी गणना की जाती है। उसे एटलस विधि कहा जाता है। अर्जेंटीना एक मात्र ऐसा देश है जो उच्च आय से उच्च मध्यम आय वर्ग में आ गया है। वर्गीकरण निर्धारित की बात करें तो एक देश के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, विनिमय दरों और जनसंख्या के साथ बदल सकती है। राष्ट्रीय खाता विधि और डाटा में संशोधन प्रति व्यक्ति GNI को प्रभावित करता है कर सकता है। अगला सतारा में स्थित रहीमतपुर पुलिस स्टेशन स्मार्ट सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रहा। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित रहीमतपुर पुलिस स्टेशन स्मार्ट पुलिसिंग के सिद्धांत पर आधारित एक सर्वेक्षण में एक शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। स्मार्ट इसका पूरा नाम सख्त और संवेदनशील, आधुनिक और गतिशील, सतर्क और जवाबदेही, विश्वसनीय और उत्तरदायी, तकनीक गुण और प्रशिक्षित है। यह सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया था। अगली बात करते हैं WHOE 2020 पहल 2019 प्रगति रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एशिया के चार देश चीन, ईरान, मलेशिया, तिमोर लेस्ते और मध्य अमेरिका के एक देश अल सल्वाडोर में वर्ष 2018 में मलेरिया का कोई भी स्वदेशी मामला दर्ज नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इन देशों के बीच केवल भारत ने 2016 की तुलना में 2017 में अपने मलेरिया के मामलों को कम करने में प्रगति दिखाई है। इससे पहले मई 2019 में WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया है। अल्जीरिया में स्वदेशी मलेरिया का आखिरी मामला 2013 में और अर्जेंटीना में स्वदेशी मलेरिया का आखिरी मामला वर्ष 2010 में सामने आया था। अगला, पिछले वर्ष WHO द्वारा पराग्वे को मलेरिया मुक्त घोषित किए जाने के बाद अल्जीरिया यह प्रमाण प्राप्त करने वाला दूसरा E2020 देश बना है। अगली बात करते हैं मर्सर का 25वां वार्षिक जीवन निर्वाह व्यय सर्वेक्षण। मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर माना जाता है। लगातार दूसरे क्रमागत वर्ष में विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग रहा है। इसके बाद टोक्यो, सिंगापुर और सियोल है। न्यूनतम महंगे शहर व्यवसायियों के लिए दुनिया के सबसे कम खर्चीले शहर ट्यूनिस है और ताशकंद कराची। भारत शहर में मुंबई 12वें स्थान से गिरकर 67वें स्थान पर रही। नई दिल्ली 118वें, चेन्नई 154वें, बेंगलोर है 179 और कोलकाता है 189। अगली बात करते हैं, भारत की जनसंख्या वर्ष 2027 तक चीन की आबादी को पार करेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 में दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत के चीन से आगे निकलने का अनुमान है और वर्ष 2050 तक भारत की आबादी लगभग 1.64 बिलियन होगी। भारत की आबादी वर्ष 2019 और 2050 के बीच लगभग 273 मिलियन बढ़ने और वर्तमान सदी के अंत तक भारत के सर्वाधिक आबादी वाले देश बनने की संभावना है। वर्ष 2019 में 1.43 मिलियन लोगों के साथ चीन और उसके बाद 1.37 मिलियन लोगों के साथ भारत लंबे समय से दुनिया के दो सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं। विश्व की जनसंख्या की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 में कहा गया है कि विश्व की आबादी अगले 30 वर्षों की वर्तमान 7.7 बिलियन से 2 बिलियन बढ़कर वर्ष 2050 तक 9.7 बिलियन तक होने की संभावना है। वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि, वर्ष 2050 तक दुनिया में प्रत्येक 6 लोगों में से एक की आयु 65 से वर्ष से अधिक
होगी जो वर्ष 2019 में प्रत्येक 11 में से एक है। 80% या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2019 में 143 मिलियन से 3 गुना बढ़कर वर्ष 2050 में 426 मिलियन होने की अनुमान है। औसत जीवन प्रत्याशा की बात करें तो रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा वर्तमान में 72.6 वर्ष से वर्ष 2050 में 77.1 वर्ष तक पहुंचने की संभावना के साथ लोगों के भविष्य में लंबे समय तक जीवित रहेंगे। वर्ष 1990 में पूरे विश्व की औसत जीवन प्रत्याशा 64.2% थी, 64.2 वर्ष थी। अगली बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे अधिक 35% ग्रेफाइट डिपॉजिट है। GSI की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत के कुल ग्रेफाइट भंडार का लगभग 35% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यह देश में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला हमारा वर्ष 2018 में भारत चौथा सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। सिप्री की रिपोर्ट है। नए डेटा थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के बाद वर्ष 2018 में भारत दुनिया का चौथा सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। भारत वर्ष 2017 में पांचवा सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। सिप्री के आंकड़ों के अनुसार चीन वर्ष 2018 में दूसरा सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। वैश्विक रक्षा खर्च में भारत का हिस्सा 3.7%। अगला है भारत वर्ष 2018 में $79 बिलियन की प्रेषित धनराशि प्राप्त करने वाला सर्वोच्च प्राप्तकर्ता है विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी प्रवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 2018 में $79 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि वापस घर भेजने के साथ विश्व के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। भारत के बाद 67 चीन है $67 बिलियन अमेरिकी डॉलर, फिर मैक्सिको $36 बिलियन अमेरिकी डॉलर। रिपोर्ट का शीर्षक वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बीफ है। पिछले 3 वर्षों में भारत ने वर्ष 2016 में $62.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2017 में $65.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रेषित धनराशि प्राप्त की। अगला हमारा रूस विश्व के नंबर 2 शस्त्र निर्माता के रूप में उभरा है। ये सीपीरी की रिपोर्ट है। स्वीडिश टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने घोषणा की कि रूस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े हथियार उत्पादक के रूप में उभरा है। तो याद रखिए अमेरिका पहले नंबर पर, रूस ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है जो 2002 में उस स्थान पर बना हुआ था, और पश्चिमी यूरोप अभी भी नंबर 1 हथियार निर्माता बना हुआ है। अगला है हमारा स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना है। गुजरात स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उभरा है। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग पर राष्ट्रीय रिपोर्ट का अनावरण किया गया है। गुजरात ने 100% के साथ स्टार्टअप पॉलिसी, उष्मायन समर्थन, बीजिंग नवाचार और नवाचार स्किलिंग सहित सभी 7 क्षेत्रों में अन्य सभी राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान 85% से अधिक के स्कोर के साथ शीर्ष निर्वाहक के रूप में चुने गए हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को प्रमुखों के रूप में मान्यता दी गई है। रैंकिंग प्रक्रिया में 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। चलिए तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सर्वेक्षण।